भारत निर्वाचन आयोग में दिल्ली के निर्देशानुसार एक दिवसीय प्रशिक्षण मंडल के समस्त उप जिलाधिकारियों के साथ एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन सभागार में आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा के निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया। उसके अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 1 नवंबर 2021 को घोषित किया जाएगा। इसके बाद 30 नवंबर को मतदान केंद्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी द्वारा आपत्ति दावा फॉर्म प्राप्त किया जाएगा। दावा आपत्तियों का निराकरण 20 सितंबर तक होगा। 5 जनवरी 2022 को फोटोयुक्त निर्वाचन नियमावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो ये है कि इन जनरल कार्रवाई हम कर देंगे, ठीक, तो हमें नहीं करना है। हमें इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को कर देनी है। हम कार्रवाई करेंगे तब भी सीईओ को ही अधिकार है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ही अधिकार है कि कराएंगे तो 100% वो दंडित हो जाएगा। और दंड में क्या है, न्यूनतम 3 वर्ष का कारावास, 3 महीने का कारावास और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास। तो 3 माह से 2 वर्ष तक की कारागार उसको मिल सकती है। नियम कौन बनाता, नियम